11th हिंदी, प्रेमचंद। हम यहाँ पे कवि परिचय पढ़ेंगे प्रेमचंद। इनका मूल नाम था धनपत राय। जन्म हुआ 1880 में लमही गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और ये तो उपन्यास थे। और सोजे वतन मानसरोवर 8 खंड में है। गुप्तधन है जो कहानी संग्रह है। करबला संग्राम प्रेम की देवी ये नाटक है। कुछ विचार दिए हुए इन्होंने, विविध प्रसंग दिए हैं और निबंध संग्रह में शामिल है। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। यहाँ पे हम कवि का परिचय पढ़ रहे हैं। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिव रानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा की कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकलकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा कोई तक सीमित नहीं रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी हिंदी मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों से लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम और आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी है। बात की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रकृति कम होती गई है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और कूच की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा। अधिकांश प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, उस पर सीरियल बन चुके हैं जो टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुँचे हैं। यहाँ पर इनकी कहानी पढ़ेंगे हम, नमक का दरोगा। प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत का कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी
वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड और किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग के इससे पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्ते और अकेले पड़े जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारे थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरक अंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगारस के काव्य पढ़कर फारसी दा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त तो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आए हो, मासिक वेतन तो पूर्णवासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही ये लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्मभर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़ खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की अशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे।
नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों का एक लंबी कतार पुल से पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, गाड़ियाँ किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कहना पूछी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे में को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने संजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक गई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। जैसे इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य को मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़े झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो,
आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरागवा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तरह कुचल डाला। आलोपी दीन ने इस हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखे वो पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से मरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गाली ग्लानी और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आँखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, वो अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाधित साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था किंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेत की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी।
जब बंशी दरबार निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चुंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से पैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बड़े मुंशी जी को तो पहले से ही कूड़ बड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाए था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनखा। हमने भी तो नौकरी की है और कोई अहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत था गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर दुर्वस्था में घर पहुँचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से न टलने जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बड़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजावा रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाइए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदार जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखा मैं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझसे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल भी मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा करते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था,
नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता आँखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्म और सत्य की विजय होती है और धन और असत्य की हार होती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।